हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 87 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी से, देन केमिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। ओके, इस वीडियो क्वालिटी अगर आपको लो लगे तो आप वीडियो और एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, उसके बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में एचडी क्वालिटी में चलेगा। उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दिज, यानी लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। फैटी एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल आर दोज दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड दस ऑब्टेंड थ्रू डाइट। नॉन एसेंशियल आर दोज दैट आर फॉर्म्ड इन द बॉडी एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। व्हेन द एसे नोड जेनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, इट स्टिमुलेट्स द एट्रियल सिस्टोल विच रिजल्ट इन। आंसर विल बी डी, इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%, बट सेमुलर वाल्व मस्ट बी क्लोज्ड। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुर्किंजी फाइबर्स। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल, विच कंस्टिट्यूट्स द कार्डियक साइकिल। एज अ एसे नोड बिगिन्स इट्स कंडक्शन, द एट्रिया बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एवी वाल्व्स ओपन एंड ब्लड फ्रॉम एट्रिया एंटर द वेंट्रिकल्स। ड्यूरिंग दिस फेज द वेंट्रिकल्स आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट एंड दस द सेमिलुनर वाल्व्स आर क्लोज्ड। द ब्लड फ्लो इज इंक्रीज बाई 30% फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन, आंसर विल बी ए, द वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीजेज व्हाइल द प्रेशर इन द लंग डिक्रीजेज। ब्रीदिंग कंस्टिट्यूट्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस, दिस डिपेंड्स ऑन बॉयल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रेशर हियर इज द पार्शियल प्रेशर एज इट मूव्स द प्रेशर ऑफ वन गैस इन द एटमोस्फेयर। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इंटर्स द लंग्स, दस वॉल्यूम ऑफ द लंग कैविटी शुड बी मोर, विच मीन्स प्रेशर शुड बी लेस। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम काउजेज द वॉल्यूम टू इंक्रीज एंड प्रेशर टू डिक्रीज एंड दस इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन जो रिपीट कर चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे है, सेकेंड चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल लाइज बिटवीन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर विल बी सी, G2 एंड FM फेज। चेक पॉइंट्स आर इंटरनल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन द सेल साइकिल, ड्यू टू दीज चेक पॉइंट्स द सेल साइकिल इज मॉनिटर्ड एट वेरियस स्टेजेज। देयर आर थ्री मेजर चेक पॉइंट्स सीन, द फर्स्ट इज एज द G1 फेज एंड्स, सेकेंड इज व्हेन G2 एंड्स एंड द सेल इज अबाउट टू इंटर द माइटोटिक फेज, द थर्ड इज ड्यूरिंग द मेटाफेज। द फर्स्ट चेक पॉइंट चेक्स वेदर द कंडीशन आर सुटेबल फॉर सेल डिविजन टू प्लेस और नॉट, इफ द कंडीशंस आर नॉट प्रॉपर द सेल विल बी अरेस्टेड एंड विल इंटर द G0 फेज इंस्टीड ऑफ द G2 फेज। द सेकेंड चेक पॉइंट इज एट G2M इंटरफेज, वेयर द सेल इंटर्स द M फेज, द सेल इज चेक्ड एट दिस पॉइंट। दिस इंश्योर्स वेदर ऑल द क्रोमोजोम्स इन द सेल आर डुप्लीकेटेड और नॉट। इट ऑल्सो चेक्स दैट DNA विच इज रेप्लीकेटेड इज नॉट डैमेज्ड। द थर्ड चेक पॉइंट इज एट द एंड ऑफ मेटाफेज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पिंडल चेक पॉइंट, एज इट चेक्स वेदर ऑल द क्रोमैटिड्स आर कनेक्टेड टू स्पिंडल फाइबर्स और नॉट। गोल्गी एपरेटस इज डिराइव्ड फ्रॉम, आंसर विल बी AER, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। द ग्लैंड दैट स्टोर्स हॉर्मोन बिफोर इट्स सिक्रेशन इज, आंसर विल बी द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। द थायरॉयड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आर बॉडी, इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड
ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन. इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया एंड इज कंसर्ड बाई इस्थमस. ईच लोब कंसिस्ट ऑफ मेनी फॉलिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन्स T3 एंड T4. दीज हॉर्मोन्स आर फॉर्मड एंड स्टोर्ड इन द फॉलिकल्स एंड आर अरेंज एंड आर रिलीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. दस ओनली थायरॉयड ग्लैंड स्टोर्स इट्स हॉर्मोन बिफोर इट्स सिक्रेशन. यहाँ फील्ड में बैलेंस हो तो फील्ड का रीड कर लेंगे. अराउंड 40% ऑफ द बॉडी वेट इन एडल्ट ह्यूमन इज कंट्रीब्यूटेड बाई मसल्स. द लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर परफॉर्म बाई बोन्स मसल्स एंड ज्वाइंट्स. बोन्स टूगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम एंड ऑल्सो फॉर्म अटैचमेंट एंड सर्फेसेज फॉर मसल्स. मसल्स कंसिस्ट ऑफ ऑरिजिन इंसर्शन एंड बेली. द ऑरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ आर पॉइंट्स वेयर मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाई टेंडन्स. बेली ऑफ मसल्स रेस्ट ऑन द बोन एंड कैरी आउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मसल्स फॉर्म अराउंड 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट इन एडल्ट. देर आर ओवर 650 मसल्स सीन. क्वेश्चन नंबर 8. वाइजमान कट ऑफ टेल्स ऑफ माइस जनरेशन आफ्टर जनरेशन बट टेल्स नाइदर डिसअपीयर्ड नॉट शॉर्टेंड शोइंग दैट. तो ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है. आंसर विल बी डी. लैमार्कीज़म वाज रॉन्ग इन एक्सप्लेनिंग इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. लैमार्कीज़म्स थ्योरी इज नोन एज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स. ही सेड दैट ऑर्गेन्स विथ मैक्सिमम यूज इंक्रीज इन साइज बट विदाउट यूज डिक्रीजेज इन साइज. ही एक्सप्लेन्ड दैट जिराफ एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू हिज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. ही सेड दैट दीज कैरेक्टर्स आर देन इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. वाइजमैन वॉन्टेड टू टेस्ट दिस थ्योरी. ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस. ही कट द टेल्स ऑफ माइस जनरेशन आफ्टर जनरेशन बट सॉ दैट दिस फीचर वॉज नॉट इनहेरिटेड. दस ही सेड दैट लैमार्क्स थ्योरी ऑन इनहेरिटेंस वॉज रॉन्ग. द पर्सन हु यूजेज ड्रग्स इंट्राविनसली आर मच मोर लाइकली टू अक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक. आंसर विल बी डी. बोथ ए एंड बी यानी एड्स और हेपेटाइटिस बी. ये हमारा जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कर चुका है. एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर कंसिडर्ड वेरी सीरियस इन्फेक्शंस. दीज आर नॉन क्यूरेबल वायरल इन्फेक्शंस. एड्स इज कॉज्ड बाई HIV व्हाइल हेपेटाइटिस इज बाई द हेपेटाइटिस वायरस. द वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स एंड एक्सचेंज ऑफ नीडल्स. एज ब्लड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. दीज आर वायरल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड नीडल्स टू. एबसेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन इज कॉल्ड. आंसर विल बी सी. ई जू स्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया मीन्स लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स पर इजैकुलेट. पॉलियोस्पर्मिया मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स दैन नॉर्मल पर इजैकुलेट. एथेनोस्पर्मिया इज अ रिड्यूस्ड मोर्टिलिटी ऑफ स्पर्म. एस्थेनोस्पर्मिया. एजियोस्पर्मिया मीन्स द कंप्लीट एबसेंस ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन. ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय. आंसर विल बी बी प्रिवेंटिंग ओवुलेशन. रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है. कॉन्ट्रासेप्शन इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी. दीज इंक्लूड नेचुरल मेथड्स बैरियर मेथड्स इंट्रायूटराइन डिवाइसेज केमिकल मेथड्स सर्जिकल मेथड्स ओरल पिल्स एंड इम्प्लांट्स. नेचुरल मेथड्स लाइक पीरियोडिक एब्सटिनेंस लैक्टेशनल एमिनोरिया एंड क्वाइटस इंटरप्शंस प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स इंक्लूड पिल्स. दीज हेल्प बर्थ कंट्रोल बाई प्रिवेंटिंग ओवुलेशन. दीज आर मोनोफेजिक और मल्टीफेजिक. मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम वन विद वन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलम टू एंड द फाइलम क्लास कॉलम थ्री टू विच इट बिलोंग्स. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा. कॉलम वन यहाँ पे पेट्रोमाइजेन होते पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट होते हैं और साइक्लोस्टोमेटा क्लास से आते हैं. लिमुलस बिलोंग्स टू फाइलम अर्थोपोडा एंड इट्स बॉडी इज कवर्ड बाई अ काइटनस एक्जोस्केलेटन. एडेम्सिया बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा एंड इज रेडियली सिमेट्रिकल. पेट्रोमाइजोन इज एन एक्टोपैरासाइट एंड बिलोंग्स टू क्लास साइक्लोस्टोमाटा. इचियोफिश इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. अ पर्सन विथ फोलिक एसिड डिफिशियंसी विल हैव
erythrocytes which are, answer will be A, immature and larger than normal erythrocytes. Due to folic acid deficiency, thymidine synthase function is impaired, due to which DNA synthesis is affected. This disrupts erythropoiesis, due to which hemoglobin synthesis increases, and this results in enlarged and immature RBCs. Hence, this is known as megaloblastic anemia. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल रीड कर लेंगे, और ये जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कर चुका है. द काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl टू मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम. कंसेंट्रेटिंग यूरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल प्रिवेंट ह्यूज वाटर लॉस एंड सॉल्ट इम्बैलेंस थ्रू आवर बॉडीज. दिस इज डन थ्रू अ काउंटर करेंट मैकेनिज्म दैट ऑपरेट्स इन किडनीज. दिस टेक्स प्लेस बिकॉज द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा आर पैरेलल टू ईच अदर, बट द फ्लो विद इन देम आर इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस अपोजिट फ्लो इज काउंटर करेंट. दिस काउजेज मूवमेंट ऑफ NaCl एंड यूरिया, एंड दस वाटर एंड सॉल्ट इम्बैलेंस इज मेंटेन्ड. द मेजर रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इनपुट दैट प्रोजेक्ट्स टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द, आंसर विल बी बी थैलेमस. The brain is divided into four brain, midbrain and hind brain. The four brain consists of cerebrum and diencephalon. Diencephalon encloses the third ventricle. It is made up of lateral walls known as the thalamus. The floor, which is known as the hypothalamus, and the roof is epithalamus. Thalamus acts as a relay center. It connects the cerebellum with the cerebrum. Hypothalamus forms a stalk to which pituitary gland is attached. Epithalamus forms a stalk to which pineal gland is attached. Read the following statements and find out the incorrect statement. तो यहाँ पे incorrect statement होंगे. D. Male cockroach bears one Uthika that is a dark reddish to blackish brown capsule about 3 by 8 millimeter long. Okay. ये हमारा इनकरेक्ट हो गया. ए बी सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे. कॉकरोच हैज मोजैक विजन. इन कॉकरोच ब्रेन सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज. फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच. कॉकरोचेज बिलोंग्स टू फाइलम अर्थोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा. द बॉडी डिवाइडेड इन टू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. हेड बियर्स कंपाउंड आइज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोजैक विजन बिकॉज ईच आई हैज मेनी लेंसेज. द ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ गैंगलिया एंड नर्व्स अराइज फ्रॉम दीज गैंगलिया टू सप्लाई आइज एंड एंटीना. नेफ्रोसाइट्स आर मेजर स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सक्रीशन. फैट बॉडीज एंड यूरिकोज ग्लैंड इज इन मेल्स आर ऑल्सो फॉर द सेम फंक्शन. द उथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3 by 8 यानी 8 millimeter लॉन्ग इन फीमेल. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वेयर द कोलेट्रल ग्लैंड सीक्रेट उथिकल कवर. मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ फ्रिक्शन. आंसर विल बी ए. रेट इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. इन एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट रेट इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी. A completely four-chambered heart is present in. Answer will be B. Some reptiles, all birds, and all mammals. Chordates show a closed circulatory system that is proper system of heart and blood vessels. The heart has evolved from two chambers to four chambers. Pisces shows the presence of two chambers, one ventricle and one auricle. Amphibians show three chambers, two auricle and one ventricle, due to which mixed blood flows in the heart. Reptiles like crocodiles, birds, and mammals show four chambers, two auricles, and two ventricles, and thus proper closed circulation is seen. Except for crocodilians, which have a four-chambered heart, all reptiles have a three-chambered heart consisting of two atria and one ventricle. Wheezing occurs in. Answer will be A. Asthma. Asthma is a respiratory disorder which in which inflammation of bronchi and bronchioles. This results in spasmodic contractions
द मेन कॉज ऑफ अस्थमा इज एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिविटी. एयर वे नैरोइंग इज ऑल्सो सीन ड्यू टू विच देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड दिस प्रोसेस वीजिंग साउंड. दिस कैन बी हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस कंडीशन. हाउ मेनी क्रोमोजोम्स विल द डिप्लॉयड सेल एट जीवन एंड जीवन आफ्टर एस एंड आफ्टर एम फेज रिस्पेक्टिवली इफ द हैप्लॉयड सेल हैज 7 क्रोमोजोम्स. आंसर विल बी सी 14, 14 एंड 14. सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. द इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ जीवन एस एंड जी टू फेजेज. इफ एम फेज इज माइटोसिस देन ऑल द फेजेज ऑफ इंटरफेज विल हैव द डिप्लॉयड प्लॉयडी लेवल. दस जीवन एस एंड जी टू विल हैव 2n क्रोमोजोम्स दैट इज 14 क्रोमोजोम्स. विच सेल ऑर्गेनेली इज एबसेंट इन द लीव्स ऑफ अनियन. आंसर विल बी सी सेंट्रियोल. देर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स. दीज आर एज फॉलोज. एनिमल सेल में प्लांट सेल वाली जो एबसेंट. वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमरस. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट और न्यूक्लियस इज इन द सेंटर. और क्लोरोप्लास्ट आर एबसेंट. और प्लांट सेल में होते हैं सेल वाली सीन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. वैक्यूल्स आर लार्ज एंड नॉर्मली सिंगल. सेंट्रियोल्स आर एबसेंट. न्यूक्लियस टू वन साइड और क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. ओनियन बींग्स प्लांट सेल लैक्स सेंट्रियोल्स. क्वेश्चन नंबर 22. द रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय. आंसर विल बी सी हैपोथैलेमस. हैपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑल द हॉर्मोनल सिक्रेशंस फ्रॉम द पिट्यूटरी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हैपोथैलेमस. दिस इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी वाया स्टॉक नोन एज इन्फंडिबुलम. द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एडिनो हाइपोफाइसिस एंड नीरो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस रिलीजेज मेनी हॉर्मोन्स लाइक जी एच टी एस एच ए सी टी एच पी आर एल एफ एस एच एल एस एक्सेट्रा. दीज आर रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस. दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी थ्रू हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम. एग्जाम्पल थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन टी एस एच इज रिलीज व्हेन थायरॉइड रिलीजिंग हॉर्मोन टी आर एच इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस. क्वेश्चन नंबर 23. न्यूरल कैनाल इज लोकेटेड इन. आंसर विल बी सी वर्टिब्रा. द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 स्मॉल बोन्स नोन एज वर्टिब्रा और वर्टिब्री. दीज इंक्लूड 7 सर्वाइकल 12 थोरेसिक 5 लंबर एंड 1 सैक्रल एंड 1 कॉक्सिजियल. एवरी वर्टिब्रा हैज अ न्यूरल कैनाल थ्रू विच अ स्पाइनल कॉर्ड पासेज. इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विच इज अ नर्वस टिश्यू इन द सेम वे एज क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है एन इंक्रीज इन मेलानाइज्ड मॉथ्स आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्रेट ब्रिटेन इज प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो ये हमारा करेक्ट होगा. सेकंड यहाँ पे कह रहा है व्हेन मोर इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन अक्वायर अ मीन कैरेक्टर वैल्यू इट इज कॉल्ड डिसरप्शन. तो ये हमारा गलत होगा, उसे स्टेबलाइजिंग बोलते हैं. थर्ड यहाँ पे कह रहा है चेंजेज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल लीड टू हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. तो ये भी हमारा गलत होगा. फोर यहाँ पे कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेज द एग्जिस्टिंग जीन और एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जेनरेशन. तो ये हमारा जो है वो करेक्ट होगा. ओके, तो ओनली वन एंड फोर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, बाकी सेकेंड और थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे. नेचुरल सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशन. द क्लासिक एग्जाम्पल इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. बिफोर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म व्हाइट मॉथ वॉज फेवर्ड ओवर ब्लैक और मेलानाइज्ड मॉथ बाई नेचर. बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू ब्लैक सूट ऑन द ब्रांचेज द ब्लैक मॉथ सर्वाइव्ड वेल. दिस शोज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन वन टाइप वॉज फेवर्ड ओवर द अदर. सच नेचुरल सिलेक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स बैलेंसिंग और स्टेबलाइजिंग डिसरप्टिव एंड
directional. When more individuals of a population acquire a mean character value, it is called a stabilized population. Hardy-Weinberg equilibrium explains that if there is no change in the frequency of alleles, there will be no evolution taking place. But many factors like genetic drift, migration interferes with the changes in allelic frequency, and thus Hardy-Weinberg equilibrium is disturbed. Antibody molecules is Y-shaped. The two tips of this Y-shaped molecule bind to antigen through which type of interaction or bond? Answer will be A, non-covalent interaction. The typical structure of immunoglobulin or antibody is Y-shaped and is represented as H2L2. This means it consists of two heavy chains and two light chains. These chains are polypeptide chains, and because of difference in weights, one is termed as heavy and other is termed as light. Both these chains are linked by disulfide bonds. Each chain consists of two regions, constant region or FC, that is fragment crystallizable, and variable region or Fab, that is fragment for antigen binding region. Thus, the variable region consists of antigen binding site, that is a part of heavy and light chains. Antigen are attached to antibodies through non-covalent bonds. The first meiotic division during oogenesis is completed at the stage of, answer will be C, primary oocyte within the tertiary follicle. Oogenesis is the process of formation of oocyte involving the process of folliculogenesis. Oogenesis begins before birth, and the ovaries before birth consist of many primary oocytes. At birth, these oocytes are surrounded by follicular cells, and this is primary follicle. These remain in the ovary till puberty. As puberty is attained, one oocyte completes its cycle. At the beginning, primary oocyte is within primary follicle. Oocyte begins its meiosis I and rests at prophase first. Primary follicle then develops into secondary and further into tertiary follicle, but the follicle remains in the arrested prophase first phase. When tertiary follicle is formed, the primary oocyte finally completes its meiosis I and forms secondary oocyte and first polar body, after which the tertiary follicle forms the ग्राफियन फॉलिकल. यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स तो फिल रीड कर लेंगे. फैमिली प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन 1951, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, द प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वेयर इनिशिएटेड इन 1951 and were periodically assessed over past decades. It includes different contraceptive methods which couples can use to avoid unwanted pregnancies. In which of the following organisms self-fertilization is seen? Answer will be D, liver fluke. Fishes are chordates and roundworms belong to the phylum Aschelminthes. In these two organisms, the sexes are separate, hence self-fertilization is not possible. Earthworms are hermaphrodite, as both the sexes are present in the same body. Earthworms still do not show self-fertilization, as the maturing times of both the sex organs are different. In earthworms, the male gonads mature earlier than female gonads. This is known as protandry condition. Thus, it shows cross-fertilization. In liver fluke, both cross and self-fertilization is seen, as they are hermaphrodites. It shows both the sex organs, and thus self-fertilization is commonly seen. Question number 29. A person with chronic kidney failure will have, answer will be A, high blood urea and high serum
क्रिएटिनिन लेवल्स, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इन क्रोनिक किडनी फेल्योर द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, दिस रिजल्ट्स इन राइज इन यूरिया लेवल्स इन द ब्लड एज किडनीज आर नॉट एबल टू रिमूव यूरिया। क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई मसल्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ क्रिएटिनिन। दिस इज देन रिमूव फ्रॉम किडनीज थ्रू यूरिन। ड्यू टू क्रोनिक फेल्योर द क्रिएटिनिन गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड दस अमाउंट इंक्रीजेज इन द ब्लड। यहाँ पे फिल इन द बैलेंस ऑफ फिल रीड कर लेंगे। द नर्व इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन। द एक्शन पोटेंशियल इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर द न्यूरल इम्पल्सेज आर एनालाइज्ड एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। द वर्निक्स एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्टेरियर स्पीच एरिया एंड द मोटर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ऑडिटरी एरिया इज नीडेड फॉर द परसेप्शन ऑफ द साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन कॉमन फीचर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज डिस्पाइट दियर वेरिएशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आंसर विल बी सी, एबंडेंट मैट्रिक्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट एनिमल टिश्यू। इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज टिश्यू। ऑल दीज टाइप्स ऑफ आर वेरी डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। द मेन कॉमन टू ऑल कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज सीन ओनली इन दिस टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड समटाइम्स फाइबर्स टू। इंजाइम्स दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सब्सट्रेट्स बाय अ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड। आंसर विल बी बी, लाइजेज। इंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। दीज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। दीज आर डिवाइडेड इंटू सिक्स क्लास डिपेंडिंग ऑफ मोड ऑफ एक्शन। फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज। दीज इंजाइम्स ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड हाइड्रोलेज। दीज ब्रेक डाउन सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थर्ड ट्रांसफरेज। दीज इंजाइम्स ब्रिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फोर दीज ब्रिंग अबाउट रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स विदाउट यूजिंग वाटर। फिफ्थ यहाँ पे है आइसोमेरेज। दीज फॉर्म आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड। सिक्स लाइगेजेज। दीज फॉर्म एक्स्ट्रा बॉन्ड्स विद इन द सबस्ट्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड। आंसर विल बी डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेन सेल्स आर ब्रोकन अप इन द लैब माइक्रोजोम्स आर फॉर्मड। दीज आर सिमिलर इन एक्टिविटी टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट एंड यूज फॉर मेनी एक्सपेरिमेंटल पर्पसेज। बींग सिमिलर टू ईयर दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज टू परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस ऑन अ मेम्ब्रेन एंड दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रोसेस दैट अकर्स इन द सेल। हियर ईयर इज ऑलवेज ऑब्टेंड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोजोम्स एंड दस कैनॉट बी आइसोलेटेड कम्प्लीटली। हाउ एवर अदर ऑर्गेनिलीज कैन बी आइसोलेटेड इन द फॉर्म। द हॉर्मोन्स दैट इनिशिएट इन इजेक्शन ऑफ द मिल्क स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ ओवरिज ओवेरियन फॉलिकल्स आर रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो आंसर यहाँ पे होगा सी, फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, देन पीआरएल प्रोलैक्टिन और एफएसएच। चूज द मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैच है, फर्स्ट जिराफ विथ लॉन्ग नेक्स लैमार्क यहाँ पे होंगे। ओके, इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज ऑफ एंड डिसयूज ऑफ एग्जांपल डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ। ओके, यही क्वेश्चन हम लोग पहले भी वाइज वन वाला देख चुके थे इसी टेस्ट में, इसलिए आगे बढ़ते हैं।
The carrier for amoebiosis is, answer will be C, Musca domestica. Okay, yani common house fly. Amoebiosis is commonly known as amoebic dysentery. This is caused by ant amoeba histolytica. The symptoms include diarrhea and dysentery. Vectors such as flies, cockroaches and rodents acts as carrier. House flies are known as Musca domestica. This is binomial nomenclature. The main cause of disintegration of the endometrial lining is, answer will be B, degeneration of corpus luteum. Menstrual cycle shows changes in ovary and uterus simultaneously. It begins with menstruation, that is a bleeding phase. It continues for 5 days. Menstruation means shedding of endometrial lining from uterus. This occurs due to decrease in levels of ovarian hormones, estrogen and progesterone. These hormones decrease because in the ovary, the corpus luteum of previous cycle starts disintegrating. Thus, degeneration of corpus luteum causes the ovarian hormone to decrease and thus endometrium degenerates, leading to bleeding phase. How many different types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotypes capital A, capital A, capital B, small b, capital C, small c and small d, small d? आंसर विल बी डी फोर. ओके, क्योंकि यहाँ पे दो हेटरोजाइगस है तो 2n यानी 2^4 करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवेन हाउ मेनी ऑफ देम आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ए मेटाबोलिज्म, बी रिप्रोडक्शन, सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डी कंसेप्शनिस्ट और ई ग्रोथ. आंसर यहाँ पे बी होगा, 3, यानी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसेप्शनेस. ओके, सॉरी, यहाँ पे 3 होंगे लेकिन रिप्रोडक्शन होंगे, कंसेप्शनेस होंगे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होंगे. ओके, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, कंसेप्शनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मेटाबॉलिज्म नहीं होंगे. थ्री ऑफ द गिवन कैरेक्टर्स आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, रिप्रोडक्शन, कंसेप्शनस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इवन आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल, अ माउंटेन कैन ग्रो ओवर द ईयर्स. सिमिलरली, मेटाबॉलिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विट्रो अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस. क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is incorrect about metagenesis? Answer will be B, metagenesis is similar to alternation of generation as found in plants. तो ये हमारा गलत होगा. बाकी A, C और D हमारे बिल्कुल सही होंगे. Alternation of asexual and sexual phases in the life cycle of Ovalia is called metagenesis. Both the medusa and polyp are diploid. Medusa is the sexual phase and polyp is the asexual phase. Okay? ये भी हमारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स, आंसर विल बी डी, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स बाय नॉर्मल. ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है. इफ अ पर्सन ऑब्टेन्स ट्रांसफॉर्मेंट्स बाय इंसर्टिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, he will separate out recombinants from non-recombinants by observing. Answer will be B, recombinant colonies do not produce any color, whereas non-recombinants form blue-colored colonies. ये भी हमारा जो है पहले आ चुका है repeated question. Consider the following four statements 1 to 4. Select the correct options stating which one are true and which one are false. First, यहाँ पे है, an organism at each trophic level depends on those at a higher trophic level for their energy demands. Okay, तो ये यहाँ पे हमारा false होगा. Second, यहाँ पे कह रहा है, each trophic level
हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, तो ये हमारा जो है ट्रू होगा। थर्ड यहाँ पे कह रहा है इच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट, तो ये हमारा ट्रू होगा। लास्ट में यहाँ फोर्थ कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन ग्रेजिंग फूड चेन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, तो ये हमारा फॉल्स होगा। एक क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आंसर होगा यहाँ पे डी। स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स, केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स, आंसर विल बी बी गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी हमारा क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस डज नॉट कंज्यूम हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, आंसर विल बी सी पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज रिएक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन कंसिस्ट ऑफ राइबोजोम्स, एमिनो एसिड्स एम आर एन ए, टी आर एन ए एंड एमिनो एसाइल टी आर एन सिंथेटेज। द राइबोजोम्स हैव टू बाइंडिंग साइट्स, नेमली एमिनो एसाइल साइट और ए साइट एंड पेप्टाइड साइट और पी साइट। द स्टार्टिंग एमिनो एसिड मिथियोनिन लाइज एट द पी साइट ऑफ द राइबोजोम। द नेक्स्ट इनकमिंग टी आर एन ए इज कॉल्ड एमिनो एसाइल टी आर एन ए, इट इज बाउंड टू ए साइट। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सी डब्ल्यू ओ एच ग्रुप ऑफ द एयर ऑफ द टी आर एन ए एट पी साइट एंड एन एच ग्रुप ऑफ एमिनो एसाइल टी आर एन ए। दिस इज फैसिलिटेटेड बाई द इंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंड डज नॉट रिक्वायर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन इज गिवेन बिलो, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी बाई सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, आंसर भी यहाँ पे होगा सी। ए यहाँ पे एक्सपेंडिंग है, बी स्टेबल और सी डिक्लाइनिंग। रिपीटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हेटरोजाइगस फादर सफर्स फ्रॉम एन ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, विच ऑफ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू, आंसर यहाँ पे होगा डी। सम ऑफ हिज चिल्ड्रेन मे सफर फ्रॉम दिस डिजीज। वेन स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन डिफेक्ट इज इनहेरिटेड थ्रू द ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स, सच डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स, एंड इफ इट इज डोमिनेंट देन इट विल एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन। इफ द फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर एन ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, द ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड सिंस द ट्रेट इज डोमिनेंट एंड ओनली वन एलील इज प्रेजेंट देयर इन अ 50% इज अ 50% चांस दैट हिज चिल्ड्रेन विल बी ऑटोजोमल ट्रेट। दिस इज बिकॉज ईच चाइल्ड रिसीव्स हाफ ऑफ द जीनोम फ्रॉम फादर एंड अदर हाफ फ्रॉम अनदर। वेन द फादर प्रोड्यूस गैमेटिक सेल्स, 50% विल हैव द ऑटोजोमल ट्रेट एंड अदर 50% विल नॉट हैव इट। स्टोलोन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल विच इज मेजरली ऑब्जर्व इन स्ट्रॉबेरीज, इट इज मॉडिफाइड, आंसर विल बी ए सब एरियल स्टेम। स्टोलोन इज अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच दैट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, इट इज मॉडिफाइड सब एरियल स्टेम ऑब्जर्व इन जैस्मिन स्ट्रॉबेरी। इनिशियली स्टोलोन ग्रोज अपवर्ड्स एंड देन बेंड्स डाउन एंड टचेज द सॉइल वेयर इट्स टर्मिनल एंड गिव्स राइज टू अ न्यू शूट एंड रूट्स। यहाँ फिल में बैलेंस है तो फिर रीड कर लेंगे। ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज द प्रोपोर्शन ऑफ एटीपी फॉर्म्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज 10.5%, आंसर सी। एरोबिक रिस्पायरेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 38 एटीपी, ऑफ विच 4 एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10.5%। हाँ, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स विल हैव द स्टेपेस्ट कर्व वेन लॉग ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड लॉग ऑफ एरिया आर
प्लॉटेड ऑन ग्राफ? आंसर विल बी डी मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर वेरी रिच विथ वेजिटेशन एंड व्हेन वी कंसिडर डिफरेंट कंटिनेंट्स द एरिया इज वेरी लार्ज। स्पीसीज नंबर ओवर अ वास्ट एरिया इंक्रीजेज क्वाइट फास्ट देन एक्सप्लोर्स एरिया रिजल्टिंग इन अ स्टीप स्लोप गिविंग अ हायर वैल्यू। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज स्टीप देन इट मीन्स दैट द स्लोप विल मेक स्मॉलर एंगल विथ द एक्स एक्सिस। द स्लोप फॉर मैमल्स स्प्रेड ओवर डिफरेंट कंटिनेंट हैज बीन ऑब्जर्व टू बी 1 पॉइंट इज सिमिलर टू और इक्वल टू 1.15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स? आंसर विल बी बी मोलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस सच एज डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस दियर प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सेट्रा। ये हमारा नॉट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। बाकी ए सी डी जो है वो सारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। डेवलपिंग एनिमल्स स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज इन जीनोग्राफ्टिंग टू टेस्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हॉर्मोन्स टू इंक्रीज मिल्क यील्ड मीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा। टू टेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स ड्रग प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ऑर्गेनिजम्स हुज जीन्स हैव बीन मैनिपुलेटेड बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी एप्लीकेशंस लाइक इम्प्रूविंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द एनिमल प्रोडक्ट्स। दियर जीन्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मीट एक्सेट्रा। दीज एनिमल्स कैन बी डेवलप्ड फॉर जीनोग्राफ्ट प्रोसेस ऑल्दो दे आर नॉट यूजफुल इन डिजीज डायग्नोसिस। इन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ जीन ओवर जेनरेशन एमोंग ह्यूमंस इज स्टडीड बाई द पेडिग्री एनालिसिस। द कैरेक्टर स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट टू। आंसर विल बी मेंडेलियन ट्रैट। पेडिग्री एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स और डिजीज एंड यूजिंग इट वी कैन प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी ट्रेट्स इन द न्यू जनरेशन। द एनालिसिस चार्ट इज अ विजुअल टूल फॉर ऑब्जर्विंग बायोलॉजिकल रिलेशनशिप विदिन एंड बिटवीन फैमिलीज एंड टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिजीजेज। वेयर एज क्वांटिटेटिव ट्रेट पॉलीजेनिक ट्रेट एंड मैटरनल ट्रेट्स आर नॉट स्टडीड बाई पेडिग्री एनालिसिस। इन इट मेल इज रिप्रेजेंटेड बाई स्क्वायर एंड फीमेल बाई अ सर्किल। अफेक्टेड इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर और आर प्रेजेंटेड एज डार्क सॉलिड फील्ड फिगर। नॉन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शोन एज एम्प्टी फिगर। द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडीड यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस आर सिमिलर टू मेंडेलियन ट्रेट एंड फॉलो इट्स इनहेरिटेंस पैटर्न। इलेक्ट्रोपोरेशन इन्वॉल्व्स आंसर विल बी बी मेकिंग ट्रांजिएंट पोर्ट्स इन सेल मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ जीन कंस्ट्रक्ट्स। इलेक्ट्रोपोरेशन इज अ प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पास थ्रू लिविंग टिश्यू सरफेस कॉजिंग अपीयरेंस ऑफ पोर्ट्स इन द मेम्ब्रेन विच देन कैन बी यूज टू पास द बायोलॉजिकल मटेरियल इजली। इन डिट्राइटस फूड चेन डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस डिपेंड्स अपॉन ऑल एक्सेप्ट। आंसर विल बी ए ऑक्सीजन नॉन अवेलेबिलिटी। फूड चेन स्टार्टिंग विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस इज द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल विच इंक्लूड्स द पार्ट्स और बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड दियर फिकल मैटर। दीज ऑर्गेनिक कंटेंट्स आर ब्रोकन डाउन टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बाई द प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इट इज ब्राउट अबाउट बाई डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजिशन इज मेनली एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस एंड इट्स रेट इज डिपेंडेंट ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रॉपर मॉइस्चर एक्सेलरेट्स द डिकम्पोजिशन प्रोसेस।
Which of the following is a useful indicator of eutrophication? Answer will be A. Biological oxygen demand. Natural aging and nutrient enrichment of a water body is termed as eutrophication. Due to the human activities of adding sewage and industrial wastewater, bodies like lake have been heavily eutrophized. Contaminants like nitrates and phosphates overstimulate algal growth as a consequence, deplete the oxygen level in water body. Also, other pollutants poison the population of aquatic life, leading to their death and increasing the rate of decomposition by bacteria, which further depletes the oxygen level. Biological oxygen demand is the measure of oxygen used required by the microorganisms for decomposition in water. It is used as an indicator for eutrophication. Match the column 1 with column 2 and select the correct option. Okay. तो फर्स्ट यहाँ पे हेलिकेज का होगा एस, यानी अनवाइंड्स डीएनए स्ट्रैंड्स। सेकेंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का होगा पी, यानी स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। थर्ड का क्यू, यानी टोपो आइसोमेरेज का होगा रिलीज टेंशन इन अनकॉइल्ड डीएनए। फोर का आर, यानी प्राइमरेज का आर, यानी सिंथेसाइजेज प्राइमर्स। व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ अ फादर हु हैज अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आंसर विल बी बी। फादर ब्लड ग्रुप इज डेफिनेटली आर एच पॉजिटिव। रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एनटीए मॉक टेस्ट में। डिफरेंट स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाई ए बी सी डी जी पी क्यू आर एंड एस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कम्युनिटी। आंसर यहाँ पे होगा बी सेकेंड। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ एबायोटिक कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया रीजन विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन्स आर इंक्लूडेड इन कम्युनिटी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम लाइक टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन्स आर इंक्लूडेड इन कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन इट्स पॉपुलेशन साइज ऑफ ऑल स्पीसीज रिमेन्स सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सस्टेन्ड इज इन अ पर्टिकुलर एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन अकर बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओ टू। आंसर विल बी ए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस वेयर द सबस्ट्रेट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड एंड अकर्स एनएरोबिकली। द साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस इज द साइटोप्लाज्म। इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ 10 इंजाइम्स टू कैटेलाइज द प्रोसेस। इन इट सम ऑफ द इंटरमीडिएट्स मे गेट इन्वॉल्व इन अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस देन रिस्पायरेशन। लाइक डीएचएपी फॉर्म्ड कैन बी यूज इन द लिपिड सिंथेसिस एज इट इज अ सोर्स ऑफ ग्लिसरॉल टू ज्वाइन फैटी एसिड्स। इट इज द कनेक्टिंग लिंक और कॉमन पाथवे बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। इन एरोबिक रिस्पायरेशन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज नॉट इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलिसिस पाथवे। द बर्ड बिकेम रिसेंटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम। ओके, आंसर यहाँ पे डी होगा, मॉरिशस। ये डोडो बर्ड का ये फिगर है। ओके, और जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उसके हमने ट्रिक बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ट्रिक्स से याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। ओके, रेफस कुकुलैटस कॉमनली कॉल्ड डोडो इज अ फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज एक्सटिंक्ट। द बर्ड वॉज एंडेमिक टू द आईलैंड ऑफ मॉरिशस इन द इंडियन ओशियन। दिस बर्ड गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सट्रीम हंटिंग बाई ह्यूमन्स एंड प्रिडेशन।
A color blind man marriage with a daughter of color blind father, the generation will be, answer will be D, half sons will be color blind. A color blind man marriage with a daughter of the color blind father, the generation will be half sons color blind. Daughter of a color blind person is a carrier of this disease, that is one X chromosomes have recessive genes, therefore half of the sons will be color blind. Find the correct statement. Answer B यहाँ पे होगा. Some bacterial cell may have copy number of plasmids vary from 15 to 100. Which one is not correctly matched? Answer D, secondary productivity, formation of new organic matter in producer. बाकी यहाँ पे ए बी सी जो है करेक्टली मैच्ड है. प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फोटो ऑटोट्रॉप्स, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन. कार्निवोर्स आर ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स. दीज फॉर्म द सेकेंडरी कंज्यूमर प्रिसेडेड बाई द हर्बीवोर इन द फूड चेन. द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाई कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड दिस एनर्जी इज अवेलेबल टू कार्निवोर्स एज दे आर द कंज्यूमर्स. टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई द प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन बाई प्रोड्यूसर्स इज टर्म्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. टी साइसी लूप ऑफ टी आर एन ए इज कॉल्ड. आंसर विल बी सी, राइबोसोमल अटैचमेंट साइट. टी आर एन ए इज अ टाइप ऑफ आर एन ए मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग एम आर एन ए कोडोन्स टू पॉलीपेप्टाइड बाई ज्वाइनिंग द एमिनो एसिड्स. टी आर एन ए कंटेन्स अ डिफेक्टिव स्ट्रक्चर्स विथ थ्री हेयर पिन लूप्स. वन ऑफ द लूप हैज अ सेट ऑफ एंटी कोडोन ट्रिपलेट कंप्लीमेंट्री टू द कोडोन ऑन एम आर एन ए. इट ऑल्सो हैज अ टी आर्म और टी लूप विच इज यूज फॉर अटैचमेंट टू द राइबोजोम ड्यूरिंग द प्रोटीन बायोसिंथेसिस. दिस लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी साइसी एज इट कंटेन्स थायमिडीन, साइटिडीन एंड स्यूडो इरिडीन. इन 4 o'clock प्लांट्स द जीन फॉर रेड फ्लावर कलर आर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द जीन फॉर व्हाइट फ्लावर कलर आर. हेंस द प्लांट्स हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर कैपिटल आर स्मॉल आर हैव पिंक फ्लावर्स. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स इन अक्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर्स एंड पिंक फ्लावर्स. आंसर विल बी सी, 50% रेड फ्लावर्स एंड 50% पिंक फ्लावर्स. फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवेन बिलो चूज द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. ओके, फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है इट इज अ 8 न्यूक्लियेट एंड 8 सेल्ड एट मैच्योरिटी, तो ये बिल्कुल सही है. सेकेंड यहाँ पे कर रहा है इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स इट इज मोनोस्पोरिक, ये भी बिल्कुल सही यहाँ पे होंगे. थर्ड यहाँ पे कर रहा है इट इज सिचुएटेड इन साइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इनसाइड द न्यूसेलस ही होते हैं. फोर यहाँ पे कर रहा है इट हैज एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द माइक्रोपाइलरिन, तो ये बिल्कुल सही होगा. फोर्थ इट डेवलप्स बाय माइटोसिस ऑफ 4 सेल्स ऑफ मेगास्पोर टेट्राड, तो ये हमारा गलत होगा. इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स व्हेन वन ऑफ द सेल्स ऑफ द ओव्यूल्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड बिकम मेगास्पोर मदर सेल 2N एंड अंडरगोज म्यूसिस टू फॉर्म वन फंक्शनल मेगास्पोर एन एंड देयर एंड थ्री नॉन फंक्शनल डिजनरेटिव मेगास्पोर अरेंज्ड इन लिनियर टेट्राइड फॉर्म. दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडर गोज थ्री सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेटेड फीमेल गैमेटोफाइट. आउट ऑफ दीज 7 सेल्ड सेल्स थ्री एंटीपोडल सेल्स अरेंज्ड इटसेल्फ एट चलाजल इंड. सेंट्रल सेल अरेंजेज नियर द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एग एपरेटस. वन एग सेल एंड टू सिनर्जिस इज सिचुएटेड एट द माइक्रोपाइलर साइड. एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट इज सराउंडेड बाई
न्यूसेलस विच इन टर्न इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट्स। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स करेक्टरिस्टिकली अकर्स इन, आंसर विल बी सी, मोनोकॉट एंड डाइकोट रूट्स। ये भी क्वेश्चन जो हमारा रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। रेडियल वैस्कुलर स्ट्रैंड, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर स्ट्रैंड एंड कंजॉइंट वैस्कुलर स्ट्रैंड। रेडियल वैस्कुलर स्ट्रैंड इज फाउंड इन ऑल मोनोकॉट एंड डाइकोट रूट्स, व्हाइल कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन स्टेम ऑफ फर्न एंड यूका, वेयर एज कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोट स्टेम। मोनोकॉट एंड डाइकोट लीव्स शो कोलैटरल क्लोज वैस्कुलर बंडल, अ टाइप ऑफ कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। प्रोटोजोवा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर विल बी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। ओके, प्रोटोजोवा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल, एंड दे ऑल्सो शो द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट मेन रीजन फॉर क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिजम्स इन टू सेपरेट फाइलम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। अमीबॉइड प्रोटोजोवा फॉर्म साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन कॉल्ड सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। ट्रिपैनोजोमा, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस एंड लीजमेनियम डोनोवानी पजेज फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, एंड सिलेटेड प्रोटोजोमस पैरामिशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ सिलिया। सेलेक्ट द रॉन्ग मैच, तो रॉन्ग मैच यहाँ पे होगा डी, मस्टर्ड, डाइकोट एंड एंडोस्पर्मिक। ओके, और यहाँ पे ए बी सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट मैच है कैस्टर सीड, डाइकोट एंड इंडोस्पर्मिक, बीन सीड, डाइकोट एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, मेज, मोनोकोट एंड इंडोस्पर्मिक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होंगे डी, द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, इसका रिवर्स जो है वो ट्रू होगा। बाकी ए बी सी जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, एंड सेक्सुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। एल्गी आर क्लासिफाइड इंटू थ्री क्लासेज, टेडोफाइट्स इंटू फोर क्लासेज एंड एंजियोस्पर्म्स इंटू टू क्लासेज। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। मोनोस्कस परप्यूरियस इज द ईस्ट यूज कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, आंसर विल बी सी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एस्टैटिन। ये भी हमारा जो है पहले क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। ओके, रेड ईस्ट राइस, मोनस्कस परपीरियस इज राइस फर्मेंटेड विथ रेड ईस्ट। दिस रेड ईस्ट राइस इज यूज एज अ सप्लीमेंट फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस। सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाई एस्परगिलस नाइगर। इथेनॉल इज फाउंड बाई सैक्रोमाइसेज सेरेवेसी। स्टेटमेंट वन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज टैपेटम। स्टेटमेंट टू, ग्लैंडुलर टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। आंसर यहाँ पे होगा सी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट। द आउटर थ्री वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डिस्टेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलेन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपेटम, इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। सेल्स ऑफ द टैपेटम पजेज डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। द हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इज, आंसर विल बी सी, साइटोकाइनिन। नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। फॉर एग्जाम्पल, रूट एपिसेज, डेवलपिंग सूट बर्ड्स, यंग फ्रूट एक्सेट्रा।
इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन. साइटोकाइनेस हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस. दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव सेनेसेंस. द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन आर, आंसर विल बी ए ओ टू, ए टी पी एंड एन ए डी पी एच. टू रिएक्शंस अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट. फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सनलाइट एंड वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ए टी पी एंड एन ए डी पी एच. सेकेंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. ग्रोथ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम गिव्स आंसर विल बी सिग्मोइड कर्व. ग्रोथ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम गिव्स सिग्मोइड कर्व. इट्स ग्राफ कंटेन्स इनिशियल लैग फेज, मिडिल लॉग फेज, फाइनली स्टेडी स्टेट फेज. रूट प्रेशर इज एबसेंट इन, आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द एबव, यानी रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स, कॉनिफर्स एंड प्लांट ग्रोइंग इन कोल्ड सॉइल्स. रूट प्रेशर इज अ फोर्स दैट हेल्प्स टू पुश फ्लूड्स अपवर्ड इन टू द जाइलम. रूट प्रेशर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन मोनोकोटिलेडॉन्स. रूट प्रेशर ऑपरेट्स जनरली अप टू 2 to 3 meter इन हाइट. रूट प्रेशर इज रिटार्डेड और एबसेंट अंडर स्टारवेशन कंडीशन एंड ड्रॉट कंडीशन. रूट प्रेशर इज एबसेंट इन रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स, कॉनिफर्स एंड प्लांट ग्रोइंग इन कोल्ड सॉइल्स. रूट प्रेशर डिक्रीजेज एज डे एडवांसेज एंड रीचेज मैक्सिमम ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग ऑफ स्प्रिंग एंड रेनी सीजन. मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट यहाँ पर टोटिपोटेंसी है. टोटिपोटेंसी का होगा डी, यानी कैपेसिटी टू जनरेट. टू का सी, यानी माइक्रो प्रोपेगेशन का होगा सी, यानी प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर. थ्री का बी, यानी सोमैटिक हाइब्रिड का बी होगा, यानी प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. और लास्ट बायोफोर्टिफिकेशन फोर का ए होगा, यानी ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हाइयर लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल करके हम रीड कर लेंगे. इन एंडार कंडीशन ऑफ जाइलम, मेटाजाइलम लाइज ऑन आउटर साइड ऑफ प्रोटोजाइलम. द एंडार कंडीशन ऑफ जाइलम रिफर्स टू द कंडीशन व्हेन द मेटाजाइलम लाइज टुवार्ड्स द पेरीफेरी एंड द प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स द पिथ. व्हाइल इन एक्सार कंडीशन द मेटाजाइलम लाइज टुवार्ड्स द सेंटर एंड द प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवार्ड्स द पेरीफेरी. एंडार कंडीशन इज सीन इन स्टेम, वेयर एज एक्सार कंडीशन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ ऑल वैस्कुलर प्लांट्स. ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 79, प्लाज्मोगेम इज फ्यूजन ऑफ. ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन आंसर होगा बी, टू हैप्लोइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन बिटवीन द स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू कॉम्पेटेबल गैमिट्स. गैमिट्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. फ्यूज विच इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, फॉलोड बाई प्लाज्मोगैमी द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द गैमिट्स फ्यूजेस टूगेदर. दिस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रूप इज, आंसर विल बी बी स्टोनी इंडोकार्प. ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है. ड्रूप इज सिमिलर सिंपल इनडेहिसेंट फ्रूट डिराइव फ्रॉम अ सिंगल ओवरी. ड्रूप फ्रूट मोस्टली कंटेन्स ओनली वन सीड विच इज इंक्लोज बाई स्टोनी इंडोकार्प. हार्डेंड इंडोकार्प ऑफ ड्रूप एधेयर टू द सीड कोट. अ ड्रूप हैज थिन एक्जोकार्प एंड फ्लैसी एंड इडिबल मीजोकार्प. एपी एप्रिकॉट्स, पीचेज, प्लम्स, मैंगोज, ऑलिव्स, चेरीज एंड इंडियन गूजबेरीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल ड्रूप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट. आंसर विल बी डी,
बोथ ए एंड बी यानी सेलेजिनेला और सल्विनिया, ये भी जो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, टेरोफाइट्स डिवाइड इनटू फोर क्लासेज, सीलोपसीडा, लाइकोपसीडा, क्लब मॉसेज, स्फेनोपसीडा, हॉर्स टेल्स एंड टेरोपसीडा और फिलिसिनी फंस। अमॉन्ग ऑल दीज फोर क्लासेज ओनली लाइकोपसीडा इंक्लूड्स बोथ होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस फॉर्म्स। होमोस्पोरस टेरोफाइट्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, एग्जाम्पल क्लब मॉस, सेल्विया एंड पजल ग्रास। हेटरोस्पोरस टेरोफाइट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, वन मेगा स्पोर एंड अदर माइक्रोस्पोर्स। एग्जाम्पल ऑफ हेटरोस्पोरस टेरोफाइट्स सेलाजिनेला, सेल्विनिया, मार्सेलिया एंड एजोला। इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सैंपल वाटर इज वेरी हाई, सॉरी इफ बीओडी ऑफ सैंपल वाटर इज वेरी हाई द सैंपल इज, आंसर विल बी ए हाईली पॉल्यूटेड। ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। बीओडी और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाई एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन सीवेज वाटर। पॉल्यूटेड वाटर विल हैव हायर बीओडी, फॉर इंस्टेंस इफ बीओडी ऑफ वाटर इज 1 to 2 द वाटर क्वालिटी इज वेरी गुड। बीओडी ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इज 6 to 9 एंड बीओडी ऑफ हाईली पॉल्यूटेड वाटर वुड बी मोर देन 17। व्हेन बीओडी लेवल्स आर हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ लेवल्स डिक्रीज बिकॉज द ऑक्सीजन दैट इज अवेलेबल इन द वाटर इज बींग कंज्यूम्ड बाई द बैक्टीरिया ड्यू टू विच अक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विल नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एन एनाट्रोपस ओव्यूल, आंसर विल बी डाउनवर्ड। इन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइल इज अपवर्ड, एनाट्रोपस ओव्यूल इज इनवर्टेड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयरिंग, आंसर यहाँ पे ए होगा, C3 एग्जाम्पल ऑफ मेज, ये हमारा गलत है। इमेज जो होते हैं वो C4 के एग्जाम्पल होते हैं, बाकी बी सी डी बिल्कुल सही है। C4 स्ट्रक्चर, क्रेंज एनाटॉमी, कैल्विन साइकिल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और हैच एंड सेलेक्ट साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रोथ, तो आंसर यहाँ पे ए होगा। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ग्रोथ इज परमानेंट एंड रिवर्सिबल चेंज इन साइज, शेप, वॉल्यूम एंड ड्राई वेट। ग्रोथ कैन बी इंट्रिंजिंग एंड एक्सट्रिंजिंग। नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो बट डियर ग्रोथ इज एक्सट्रिंजिंग सरफेस ग्रोथ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज, वेयर एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट इंट्रिंजिंग ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ। इंट्रिंजिंग ग्रोथ रिजल्ट्स ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्लांट्स शो इंटरमीडिएट ग्रोथ दैट इज ग्रो थ्रू आउट द लाइफ व्हाइल एनिमल्स ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज। चैप्टर जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, न्यूक्लियोलस इज, तो आंसर यहाँ पे होगा बी, राउंडेड एयर स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस एंड हैविंग आरआरएनए। ये भी जो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, फंक्शन इसका होता है इट स्टोर हाउस, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ आरएनए, इट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर राइबोसोमल आरएनए, इट फॉर्म्स द यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 87, द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला कोरिस्पोंड्स टू, आंसर विल बी बी बेलाडोना। एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल, कैलेक्स 5 फ्यूज्ड हैं, कोरोला 5 फ्यूज्ड है, और एपिपेटलस है, एंड्रोसियम 5 है और गैनेशियम 2। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आफ्टर पेनेट्रेटिंग स्टेगमेटिक एंड स्टाइलर टिश्यू द पोलन ट्यूब यूजुअली ग्रोज डाउन टुवार्ड्स द एग सेल बिकॉज, आंसर विल बी डी, द फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड्स आर बिलीव टू अट्रैक्ट द पोलन
पॉलन ट्यूब्स। एम्ब्रियो सैक इज मेड अप ऑफ 7 सेल्ड, 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट एट चलाजल साइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू रेस्ट अदर सेल्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, वेयर एज सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम्स इंडोस्पर्मस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, व्हाइल सिनर्जिड्स पजेजेस फिलीफॉर्म एपरेटस विच अट्रैक्ट द पॉलन ट्यूब एंड गाइड द ट्यूब टुवार्ड्स एग सेल एंड बर्स्ट द ट्यूब टू रिलीज दियर बोथ मेल गैमेट्स इन एम्ब्रियो सैक फॉर फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर यहाँ पे होगा सी, बैक्टीरिया आर आइदर हेटरोट्रॉफिक, केमोट्रॉफिक और फोटोऑटोट्रॉफिक। ओके, बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड बैक्टेरियोन मीनिंग स्मॉल स्टिक, बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मोस्टली रेंजिंग बिटवीन 1 to 5 माइक्रोमीटर। दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन डिराइव दियर न्यूट्रिशन आइदर थ्रू सनलाइट, फोटोट्रॉफिक और थ्रू सर्टेन केमिकल्स, केमोऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन डिराइव दियर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर, डिकम्पोजर, और दे मे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट पैरासाइटिक। बैक्टीरिया शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर आर। आंसर विल बी ए, एंटीपोडल जो है यहाँ पे वो हैप्लॉयड होंगे, जायगोट डिप्लॉयड और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे ट्रिप्लॉयड होंगे। ओके, तो ये सारे थे बायो के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे सारे मॉक टेस्ट के वीडियो आते रहेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ केमिस्ट्री का है। 3d4 कॉन्फिगरेशन में हैव द एक्सचेंज ऑफ, आंसर विल बी d6 इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आंसर यहाँ पे सी होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे फर्स्ट होगा, यानी H2SO6, उसके बाद थर्ड यानी H2H2O5, और लास्ट में होगा सेकेंड यानी H2SO3। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। Me2C डबल बॉन्ड O प्लस HCN गिव्स X, इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस गिव्स Y एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2S4 गिव्स Z। आंसर यहाँ पे B होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 COOH। 0.44 ग्राम ऑफ अ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज 2 to 4 ml एट STP। द मोलिकुलर फॉर्मूला इज, आंसर विल बी यहाँ पे सी होंगे, N2O। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर। आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ दीज यानी Li3N, Mg3N2 और CaN2, CaCN2 सारे यहाँ पे लिबरेट करेंगे अमोनिया। अरेंज pH ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे pH जो होंगे वो होगा सेकेंड यानी इथाइल अल्कोहल का, देन फर्स्ट फिनॉल का, देन फोर बेंजोइक एसिड, और लास्ट यहाँ पे होगा थर्ड यानी फॉर्मिक एसिड का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ FeH4 एंड FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम। आंसर यहाँ पे ए होगा, 4/5। ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। आंसर यहाँ पे डी होंगे, बोथ ए एंड सी यानी एन ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन। फ्रॉम B2S6 ऑल द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट। आंसर यहाँ पे बी होंगे, B2CS3 होल 6। सॉलिड ए बी हैज जेड एन एस टाइप स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ ए प्लस आयंस इज 22.5 pm, देन द रेडियस ऑफ बी माइनस विल बी। आंसर यहाँ पे ए होंगे, 100 पिकोमीटर।
When a small amount of HCl is added to an aqueous solution of BiCl3, a white precipitate is formed. This is due to formation of answer यहाँ पे होंगे C BiOCl. Alkyl iodide reacts with NaCl to give alkyl cyanide and a small amount of alkyl isocyanide. Formation of these two products is due to the answer will be C. Ambient character of cyanide ion. Consider the following dioxide of group 14. Okay, the basicity of the dioxide alters in the order. तो यहाँ आंसर होगा B. सबसे ज्यादा PbO2, then SnO2, उससे कम होगा GeO2, उससे कम SiO2 और सबसे कम यहाँ पे CO2 होंगे. At a certain temperature, the equilibrium constant Kc is 0.25. For the reaction A gas plus B gas gives C gas plus D gas. If we take 1 mole of each of four gases in a 10-liter container, what would be the equilibrium concentration of A gas? Answer यहाँ पे होगा C 0.133 m. और ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है. When a strong base NaOH is added to the weak acid acetic acid CH3COOH, then dissociation of acetic acid increases. This effect is known as answer will be B reverse ion effect. In the given reaction, CH3CH2Br gives in presence of a moist Ag2O gives X. X will be answer यहाँ पे होगा A ethanol. KCl.MgCl2.6H2O each A. Answer will be B, double salt. Which equation represents an example of Friedel-Crafts reaction? Answer यहाँ पे A होंगे. C6H6 plus C2H5Cl in presence of AlCl3 gives C6H5C2H5 plus HCl. A gas absorbs 200 joule of heat and expands on 500 centimeter cube against a constant pressure of 2 into 10 to power 5 newton per meter square. The change in internal energy of the gas will be answer will be C plus 100 joule. Given the standard oxidation potentials, Fe plus 0.4 volt gives Fe2 plus aqueous, minus 0.8 वोल्ट पे Fe3 प्लस यहाँ पे दे रहा है इन एसिडिक मीडियम में, और Fe को अगर प्लस 0.9 वोल्ट कर रहे हैं दे रहे हैं तो 0. यहाँ Fe OH वोल्ट वाइस बनता है, और 0.6 वोल्ट देते हैं तो Fe OH वोल्ट थ्राइस इन बेसिक मीडियम होते हैं. इट इज इजियर टू ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस इन. आंसर यहाँ पे होगा डी अल्कलाइन मीडियम. According to recent views, which is the correct representation of hydrated proton in aqueous solution? Answer यहाँ पे होगा C H9O4 plus. A proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of de Broglie wavelength of proton to that of alpha particle will be answer यहाँ पे D होंगे 2√2:1. Okay. ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है. फाइनली डिवाइडेड आयरन कंबाइंस विथ सीओ टू गिव आंसर ए Fe2O5. ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 640 मिलीमीटर एचजी एंड दैट ऑफ द सॉल्यूट ए इन बेंजीन इज 630 मिलीमीटर ऑफ एचजी. द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आंसर यहाँ पे ये होगा 0.2 मीटर. जेमिनल डाइहेलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स आंसर विल बी सी कार्बोनिल कंपाउंड. द नंबर ऑफ एमिजो फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड ए इज आंसर विल बी A2. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. आंसर विल बी ए कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैस रिवर्सिबली गिव्स CO गैस प्लस H2 गैस. आंसर विल बी ए.
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? आंसर यहाँ पे डी जो है फॉल्स स्टेटमेंट होगा। SO3 गैस सोज मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन इन H2SO4। ये हमारा फॉल्स है, बाकी ए बी सी जो है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। SO2 इज ऑब्टेंड बाई द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO3। SO3 हैज ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री इन गैसेस स्टेट। और SO3 इन गैसेस स्टेट हैज ऑल SO बॉन्ड्स इक्विवेलेंट। अब प्लॉट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस अगेंस्ट अंडर रूट सी, वेयर सी इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग फॉलोइंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होंगे C1 इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द मिनिमम पीएच रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS इन अ सॉल्यूशन व्हिच इज 0.01 m ZnCl2 एंड सैचुरेटेड विथ 0.1 m H2S। KSP ऑफ ZnS इक्वल टू 10^-21, Ka1 इनटू Ka2 H2S इक्वल टू 10^-20। आंसर यहाँ पे डी होगा यानी 1। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द रिएक्शन 4/3 Al + O2 गिव्स 2/3 Al2O3, डेल्टा जी इक्वल टू -8 to 7 kJ/mol ऑफ ओ टू, द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 इज गिवेन 1 F इक्वल टू 96550 कूलम। आंसर यहाँ पे ए होंगे 2.14 वोल्ट। विच अल्फा एमिनो एसिड डज नॉट कंटेन प्राइमरी एमिनो ग्रुप? आंसर यहाँ पे ए होगा प्रोलीन। वन मोल ऑफ Ag2Ag+ इज कोगुलेटेड बाई? आंसर विल बी ए 1 मोल ऑफ Ki। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? आंसर विल बी बी रेट। और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ ए के साथ यहाँ पे लिनियरी जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन द गिवन रिएक्शन CH3C CH3CH3 CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड OH- गिव्स एक्स, एक्स विल बी क्या यहाँ पे होगा? आंसर ये विल बी बी CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इन द गिवन रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोलाइसिस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, एक्स विल बी, आंसर विल बी सी पैरा एमिनो फेनॉल, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रीएजेंट कैन प्रोवाइड डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ द फॉर्मूला CONH3 होल 5 BrSO4? आंसर विल बी ए BSCl2 सॉल्यूशन। द फाइनल प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज? आंसर यहाँ पे होगा ए 2-नाइट्रोएनिलीन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द वेरिएशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अगेंस्ट टेम्परेचर फॉर गिवेन एडजॉर्प्शन? आंसर यहाँ पे होगा सी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ टेम्परेचर में यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ओके, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्जो एसिड्स ऑफ क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आंसर विल बी ए HClO। मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज? आंसर विल बी ए लेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड? आंसर यहाँ पे सी होगा, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज मोर देन साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इमाइन फॉर्मेशन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स? आंसर विल बी डी C6H5NH2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? आंसर ए 2-क्लोरोपेंटेनोइक एसिड। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
respectively, where A is initial concentration of the reactant. Answer will be C, T half directly proportional to A and T half directly proportional to A to the power 0. ओके ऐसा रहा था केमिस्ट्री क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फिजिक्स का। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूट्रॉन H2 एंड हीलियम न्यूक्लियस HE4 इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इफ टू न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल हीलियम न्यूक्लियस देन द एनर्जी रिलीज्ड इज, आंसर विल बी सी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज, आंसर विल बी बी 16:1। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस अ मैन ऑफ मास कैपिटल एम स्टैंडिंग एट हाइट एच एबव द फ्लोर थ्रोज अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम हाइट स्ट्रेट डाउन विथ अ स्पीड यू। व्हेन द बॉल रीचेज द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन एबव द फ्लोर विल बी, आंसर विल बी ए एच इंटू 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। अ स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड स्मूथ स्टील प्लेट एट एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। इफ द कोफिशियंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ई द एंगल एट विच द री बाउंस विल टेक्स प्लेस इज, आंसर विल बी बी टेन इनवर्स टेन थीटा बाई ई। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम ऑसिलेट्स अलोंग द हॉरिजेंटल डायमीटर ए बी इन साइड अ स्मूथ स्फेरिकल सेल ऑफ द रेडियस कैपिटल आर। एट एनी इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज के देन द फोर्स अप्लाइड बाई पार्टिकल ऑन द सेल एट दिस इंस्टेंट इज, आंसर विल बी सी 3 K/R। ओके नेक्स्ट। इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेट मेरिडियन द डीप ऑफ द नीडल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल द रियल डीप इज, आंसर विल बी डी 10 इनवर्स 2/√3। द रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 40 × 10⁻⁸ माइक्रोमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इफ 0.2 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज, आंसर विल बी बी 10⁻²⁰ वोल्ट पर मीटर। एन आयोनाइजेशन चैम्बर विथ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एज एनोड एंड कैथोड्स हैज 5 × 10⁷ सेंटीमीटर पर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ सिंगली चार्ज पॉजिटिव आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड विथ वेलोसिटी 0.4 m/s। इफ करेंट डेंसिटी जे इक्वल टू 4 × 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर देन द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस मूविंग टुवर्ड्स कैथोड इज, आंसर विल बी ए 0.1 m/s। अ चार्ज ऑफ 1 μC इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट दियर चार्जेज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दिज टू चार्जेज आर केप्ड एट अ डिस्टेंस 1 m अपार्ट इन वैक्यूम देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इन न्यूटन इज, आंसर विल बी बी 0.00216 न्यूटन। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली बट Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2। द बॉल्स आर ब्राउट टूगेदर सो दैट दे टच ईच अदर एंड देन केप्ट इन दियर ओरिजिनल पोजिशंस द फोर्स बिटवीन देम इज, आंसर विल बी बी ग्रेटर दैन दैट बिफोर द बॉल्स टच्ड। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स एंड इस सेकेंडरी वाइंडिंग हैज 200 टर्न्स। द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट एंड द करेंट फ्लोइंग इन इट इज 10 एम्पियर द वोल्टेज एंड द करेंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज, आंसर विल बी ए 240 वोल्ट एंड 5 एम्पियर। अ वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड वेरिंग फ्रीक्वेंसीज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR कॉम्बिनेशन इन विच
R equal to 3 ohm, L equal to 25 millihenry, and C equal to 400 microfarad, the frequency f in hertz of the source at which maximum power is dissipated in the above is? Answer will be D 50.3. A planet of mass 4 times that of the Earth spins about itself and completes one rotation in 96 hours. The radius of a stationary satellite about this planet is comprises to the radius of the geostationary orbit around the Earth. Each answer will be A, 4 times. Two satellites are revolving around the Earth with velocity v1 and v2 in radii r1 and r2. R1 is greater than r2 respectively, then answer will be C, v2 is greater than v1. The total energy radiated from a black body source is collected for 1 minute and is used to heat a quantity of water. The temperature of water is found to increase from 20 degrees Celsius to 20.5 degrees Celsius if the absolute temperature of the black body is doubled and the experiment is repeated with the same quantity of water at 20 degrees Celsius. The temperature of water will be, answer yahan pe D ho gaya, 28 degrees Celsius. In a Carnot engine, when T2 equal to 0 degrees Celsius and T1 equal to 200 degrees Celsius, its efficiency is eta 1, and when T1 equal to 0 degrees Celsius and T2 equal to minus 200 degrees Celsius, its efficiency is eta 2, then the ratio of efficiency is, answer will be A, 0.577. As shown in the figure are three PV diagrams, the case in which the work done is minimum. Answer yahan pe hoga C, 3. A magnetic dipole of magnetic moment 6 into 10 to the power minus 2 ampere meter square and moment of inertia 12 into 10 to the power minus 6 kg meter square performs oscillation in a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 2 tesla. The time taken by the dipole to complete 200 oscillation is pi is nearly equal to 3. Answer yahan pe D hoga, 12 second. A wire loop that encloses an area of 20 cm square has a resistance of 10 ohm. The loop is placed in a magnetic field of 2.4 tesla, which with its plane perpendicular to the field, the loop is suddenly removed from the field. How much charge flows past a given point in the wire? Answer will be C, 4.8 into 10 to the power minus 4 coulomb. A coil of inductive reactance 1 by under root 3 ohm and resistance 1 ohm is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. The time lag between maximum voltage and current is, answer will be D, 1 by 600 second. An eagle flies at constant velocity horizontally across the sky carrying a mouse and releases the mouse while in flight. From the eagle's perspective, the mouse falls vertically with speed v1 from an observer on the ground's perspective. The mouse falls at an angle with speed v2. What is the speed of the eagle with respect to the observer on the ground? Answer will be D, under root v2 square minus v2 square minus v1 square. In the given figure, if the velocity of the block C at a particular instant is minus 20 meter per second j cap, then the velocity of the rod A at that instant will be, string is attached to the wedge. Answer will be A, 15 meter per second j cap. System is shown in the figure. Assume that cylinder remains in contact with the two wedges. The velocity of the cylinder is, answer will be D, under root 7 u meter per second.
During beta minus emission, answer A, a neutron in the nucleus decays emitting an electron. A nuclear transformation is given by YN alpha gives Li73. The nucleus of the element Y is, answer will be B, boron 10 and 5. Block A is hanging from a vertical spring and is at rest. Block B strikes the block A with velocity V and strikes to it. Then the value of V for which the spring just attains natural length is, answer यहाँ पे होगा B under root 6 mg square by K. ये भी हमारा जो रिपीटेड क्वेश्चन है पहले आ चुका है. If K S and K P respectively are effective spring constant in series and parallel combination of springs as shown in the figure, find K S by K P. आंसर यहाँ पे होगा C 2/9. A plane electromagnetic wave of wave intensity 6 strikes a small mirror of area 40 held perpendicular to the approaching wave. The momentum transferred by the wave to the mirror each second will be, answer will be D 1.6 into 10 per minus 10 kg meter per second. If the kinetic energy of a free electron doubles its de Broglie wavelength changes by the factor, answer will be C 1 by under root 2. A frame made of a metallic wire enclosing a surface area A is covered with a soft film. If the area of the frame of metallic wire is reduced by 50%, the energy of the soft film will be changed by, answer will be C 50%. In a turbulent flow, the velocity of the liquid in contact with the walls of the tube is, answer will be D equal to critical velocity. A person can see clearly object only when they lie between 50 centimeter to 400 centimeter from his eyes. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and power of the correcting lens the person has to use will be, answer will be B concave and minus 0.25D. A concave mirror of focal length F produces an image P time the size of the object. If the image is real, then the distance of the object from the mirror is, answer will be D P plus 1 by P into F. A disk of radius R and thickness R by 6 has a moment of inertia I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The disk is melted and recast into a solid sphere. The moment of inertia of a sphere about its diameter is, answer will be A, I by 5. A sphere and a hollow cylinder roll without slipping down two separate inclined planes and travel the same distance at the same time. If the angle of the plane down which the sphere rolls is 30 degree, the angle of the other plane is, answer will be D 45 degree. In a common base transmitter circuit, IC is the output current and IE is the input current. The current gain alpha is, answer will be B less than 1. In a reverse bias diode, when the applied voltage changes by 1 volt, the current is found to change by 0.5 microampere. The reverse bias resistance of the diode is, answer will be B 2 into 10 to power 6 ohm. 2 moles of oxygen is mixed with 8 moles of helium. The effective specific heat of the mixture at constant volume is, answer will be C 1.7 R. A unit of area often used in measuring land areas is the hectare defined as 10 to power 4 meter square. An open pit coal mine consumes 25 hectares of land down to a depth of 26 meter each year. What volume of earth in a cubic kilometer is
रिमूव्ड इन दिस टाइम? आंसर विल बी 0.02। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर इंस्टीड ऑफ एयर। आंसर विल बी ए, द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 41। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट। हाउ डज द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इन द रिजल्टिंग डिफ्रेक्शन पैटर्न वेरीज विथ द विड्थ ऑफ द स्लिट? आंसर विल बी सी, प्रिंसिपल मैक्सिमम इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ स्लिट। क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवार्ड्स द स्टेशनरी सोर्स विथ वेलोसिटी वी वन, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड नोट इज एफ वन। व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विथ वेलोसिटी वी वन, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज एफ टू। इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड एफ वन बाई एफ टू इक्वल टू टू, देन वी बाई वी वन इज इक्वल टू व्हाट? आंसर विल बी 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे है। अ व्हिसिल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 9500 हर्ट्ज एबव इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी पर्सन विथ स्पीड वी मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। इफ द पर्सन कैन हियर फ्रीक्वेंसी अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 हर्ट्ज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी अप टू विच ही कैन हियर द व्हिसिल इज? आंसर विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पोजिशन आर वन इक्वल टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप टू अ पोजिशन आर टू इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू फोर आई कैप प्लस जे कैप प्लस सिक्स कैप कैप न्यूटन। द वर्क डन बाय द फोर्स इज? आंसर विल बी ए, 57 जूल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स का। इन ईच हार्ट बीट हार्ट पम्प्स 80 ml ऑफ ब्लड एट एन एवरेज प्रेशर ऑफ 100 mm ऑफ एच जी, एज्यूमिंग 60 हार्ट बीट्स पर सेकेंड। द पावर आउटपुट ऑफ द हार्ट इज रो एच जी, यहाँ पे 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, और जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आंसर यहाँ पे बी होगा, 1.06 वाट। ओके, ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो आते रहेंगे सारे मॉक टेस्ट के। और जिन्हें भी एनटीए मॉक टेस्ट का सारे पीडीएफ चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।